फ्लोर माय नेम इज निधि चौहान एंड दिस इज तेजस राठौर एंड आज हम जा रहे हैं अलीबाग। हम लोग का बहुत टाइम से प्लान हो रहा था अलीबाग जाने का, लेकिन नहीं जा पा रहे थे ड्यू टू लॉकडाउन और कोविड का जो इशू चल रहा था। लेकिन फाइनली आज हम लोग का प्लान हो गया सक्सेसफुल और हम लोग जा रहे हैं। एंड फिलहाल अभी अंधेरे से यहाँ पहुँचने में तो M2M भाव के धक्के पे है एंड यहाँ आने को सिर्फ 30 मिनट लगा है। सो मतलब आज सुबह ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे फॉर अ चेंज काफ़ी ज़्यादा फ्री था, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, घाटकोपर की यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्री था, तो वो अच्छा था। और एट द सेम टाइम जब मैं मेरे घर से निकला था तो मुझे लगा मैं ऑलमोस्ट 4:45 को निकला था मेरे घर से और मुझे लगा बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं होगा और मैं विद इन 1 आवर में अंधेरी पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो बीच में पता नहीं क्या रीज़न था, किस वजह से ट्रैफिक इतना ट्रैफिक मिला और ऑलमोस्ट आप यकीन नहीं करोगे 1 किलोमीटर के स्ट्रेच पे ट्रेलर ही ट्रेलर खड़े थे। तो लेकिन वो अच्छा था कि वो कैब ड्राइवर थोड़ा अच्छा था ड्राइविंग में, तो उसने अच्छे से निकाल के मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में पहुंचाया और फिर इसके घर से हम लोग यहाँ पे 1.5 घंटे में पहुंच गए। तो यस आगे का आपको दिखाते रहते हैं गाइस एंड M2M का पूरा आपको दिखा देंगे। सो लेट्स बकल अप एंड एक्सप्लोर गाइस। सो ये रास्ता है ऊपर जाने का। अगर आप पेट्स लेके आते हैं तो पेट्स का एक अलग जोन है, बाकी आप जब आते हैं सो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं एंड आगे के तरफ, बाकी नीचे पार्किंग एरिया होती है। मैं पहली बार जैन में आई थी, तब से अब तक में काफ़ी फ़र्क था एंड इस बार बहुत कम लोग भी थे, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे से फॉलो करवाया जा रहा था एंड मास्क पहनने के लिए कंटिन्यूसली बोल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे अंदर एक सेक्शन है, मैं आपको वो थोड़े टाइम में दिखा देती हूँ, प्लस अपर एक और एक डेक है, मैं आपको वहाँ ले जाती हूँ। यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। इस बार बारिश का मौसम था तो उन्होंने सारा यहाँ पे जो भी सीटिंग है वो हटा दिए थे, बट नेवर माइंड, नंदलेस आप खड़े रह सकते हैं क्योंकि मुंबई से अलीबाग 1 घंटा लगता है पहुँचने में। सो वो 1 घंटा बाकी आप जो सीन देख रहे हैं, सिनेरियो देख रहे हैं, वो सब देखते देखते ही 1 घंटा कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलता है। सो लेट्स गो, मैं आपको अंदर का रास्ता दिखाती हूँ कि अंदर कैसे है। ये पूरा एसी वाला एरिया है, यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं। आपको अगर सिर्फ अंदर बैठना है, छोटे बच्चों के साथ आए हैं, आपको बाहर सेफ नहीं लग रहा है, सो आप यहाँ अंदर भी बैठ सकते हैं। सो जैसे मैं आपको बोल रही थी, मैं लास्ट टाइम जनवरी में आई थी, तब से अब में जो फूड है उसकी वेराइटी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस बार हमने लिया था अंडा भुर्जी एंड पाव, सैंडविचेस एंड कॉफ़ी। सो हमने पहले जाके वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया ताकि शुरू होने के बाद हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए ना आना पड़े एंड वी कैन रिकॉर्ड द अदर स्टफ। बारह बजे
ऑल्सो इस बार जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम से, इस बार में बहुत अलग था, हाई टाइड था, सो 8:30 का जो है वो 8 AM का कर दिया था सुबह का फर्स्ट डिपार्चर। एंड इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी एंड बोट इतनी ज़्यादा रॉक हो रही थी, आप देख सकते हैं। वैसे प्राइजेस जो है एंड जो भी डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, व्हीकल का भी एंड पर पर्सन का भी है, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। व्हीकल के साइज़ के ऊपर भी प्राइजेस डिफर करते हैं, सो डू चेक दैट आउट, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड आपको आगे आगे दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा बम्पी राइड है, लेट्स गो। सो कैमरा में स्टेबिलिटी रहता है एंड बहुत कुछ रहता है, जिसके वजह से ही कितना ज़्यादा हिल रहा है आपको दिख नहीं रहा है, बट आप आगे की तरफ अगर पानी को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूस लेफ्ट और राइट में पानी हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा दूर तक वो हिल रहा है बोट के अंदर जो पानी है। सो आप वो चेक कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना हिल रहा था। लिटरली ऐसा लग रहा था कोई SL वर्ल्ड का एडवेंचर राइड में हम बैठे हैं एंड पूरा लेफ्ट टू राइट इधर उधर हिल रहा था कंटिन्यूसली। जितने बाहर बैठे थे बहुत लोग अंदर भी चले गए थे, अगर आपको बाहर बैठना है तो बैठ सकते, बिल्कुल सेफ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते कि कितना ज़्यादा हिल रहा है वो। राइड के बाद हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। बीच में इतना ज्यादा बम्पी था कि आई गेस इन्होंने स्पीड जो है स्लो कर दिया था, सो 9 बजे पहुंचने के बजाय 9:05 को पहुंचे, बट नो प्रॉब्लम, गुड एडवेंचर एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ये नॉर्मल तो नहीं फील होता क्योंकि नॉर्मल टाइम पे इतना बम्पी नहीं रहता ये राइड। सो यस, अगर आप ओके है, आपको एडवेंचर पसंद है, आपको एडवेंचर पार्क्स जाना पसंद है, तो ये बिल्कुल वही फीलिंग दे रहा था आज। रोलर कोस्टर भी था और सारे एडवेंचर वाले राइड्स भी। तो मैं बोलना चाहूंगी कि होटल रूम जो है काफी ज्यादा स्पेशियस था। एक रूम में, ये जो स्वीट 4X रूम था इनका, एक रूम में 2 बेड थे, 1 डबल बेड 1 सिंगल बेड। अगर आप ऐसे 3 या 4 लोग आ रहे हैं आप आराम से यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं। एंड अंदर की फैसिलिटी भी काफी ओके ही थी, बट द व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अगर आपको वहां पे पीछे दिख रहा होगा जहाँ पे टॉल ट्रीज है, वहां पे बीच दिख रहा है। आई मस्ट टेल यू, ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। आई होप ये रात के टाइम पे भी शुरू रहता, बिकॉज आई लव्ड द एम्बियंस। आप देख सकते हैं एकदम डिस्को टाइप का फीलिंग दे रहा है,
फूड इनका बहुत अच्छा था. एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ इग्नोर कीजिए मेरा लुक इस वीडियो में. द प्रॉब्लम इज़ आपने अगर मेरे इंस्टा स्टोरीज पे देखा होगा उसके बस 3 ही 4 दिन पहले मुझे टेनिस एल्बो हो गया था जिसके वजह से मैं खुद का ना काजल लगा पा रही थी ना कुछ क्योंकि वो राइट हैंड में हो गया था. सो प्लीज़ इग्नोर दैट. ऑल्सो ये प्लेस आई रियली लव्ड इट एंड इनसे हमने रात को भी खाना भी मंगवाया था. सो डू स्टे ट्यून्ड इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको एक चीज़ दिख सके, बहुत ही फनी चीज़ हुई थी. बाकी इसके एनवायरनमेंट, इसका एम्बियंस, इसका फूड लवली. इसका जो ऊपर वाला एरिया था दैट इज़ ऑल्सो लवली. यहाँ पे बेसिकली वो बर्थडे पार्टीज और कोई और पार्टीज जो है वो होस्ट करते हैं. एंड दे वर सो डाउन टू अर्थ द ओनर्स. वो आके बात कर रहे थे, वो सारी डिटेल्स बता रहे थे. द ओनली थिंग वॉज वी रियली विश्ड कि ये शाम के टाइम पे भी खुला रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता. जैसे आप देख सकते हैं बीच बहुत काम, बहुत शांत था, बहुत कम लोग थे. बट हम ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे बिकॉज बहुत आगे जाने के बाद हमें पता चला था कि बीच पे ऑयल स्पिल्स हुए थे जिसके वजह से हमारी स्लिपर्स और पैर सब खराब हो गए थे. सो वी हेडेड बैक टू द होटल फॉर स्विम सेशन. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे टेनिस एल्बो हो गया था राइट हैंड में. पूल में आने के बाद वो जो वाटर थेरेपी मिलती है जिसमें हम हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा था मुझे. ओके गाइस दैट वाज अ वेरी कूल फन स्विम सेशन एंड बहुत टाइम के बाद ये किया है. एंड बहुत टाइम के बाद हम लोग उतरे हैं गाइस स्विम पूल वाले होटल में भी. इगतपुरी में जो था वहाँ पे भी स्विमिंग पूल था लेकिन वहाँ पे हम नहीं उतर पाए थे क्योंकि वहाँ का पानी हमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था. लेकिन यहाँ पे जब से हम अराइव हुए हैं सुबह से तब से हमने ये डिसाइड किया था कि हम उतरेंगे एक बार जरूर इस पानी में. yes. तो यस आफ्टर कितना 1 घंटा हो गया हम लोग को. हाँ 1 घंटे के बाद हम लोग एंड कर रहे हैं. अभी हम लोग जाएंगे डिनर के. yes. तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेक अवे लेने खाने का बिकॉज जो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं मुझे वहाँ का ट्राई नहीं करना था बिकॉज दोपहर वाला ज्यादा बेटर था. तो आई डिडंट वांट अ चेंज इन टेस्ट और वो थोड़ा दूर है जहाँ पे रह रहे हैं हम लोग वहाँ से. एंड बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि बिकॉज यहाँ पे 4 बजे के बाद सब बंद हो जाता है. यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है एंड पिच डार्क है. ना आगे कोई गाड़ी है ना पीछे कोई गाड़ी है, सिर्फ हम लोग हैं यहाँ पे. सो आई गेस इन लोग को देख के यहाँ पे अगर आते हैं टूरिस्ट आते हैं रहने के लिए ये सब ऑन अ डेली बेसिस जब होता है तो आई गेस इतना तो इनको कर लेना चाहिए कि एक लैम्प लगा दे या एक हेडलाइट लगा दे. सो इस चीज का इन लोग को ध्यान रखना चाहिए. बट या अभी हम जा रहे हैं अंधेरे में लेने के लिए. Let's go. Also, अंधेरा तो है ही एंड रोड भी बहुत ज्यादा खराब है. मतलब बहुत ज्यादा खड्डे हैं, हर जगह खड्डे हैं एंड बचा के चलना पड़ रहा है क्योंकि ये थोड़ी लो गाड़ी है. सो आई गेस इट्स टाइम अप. जब आ ही रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पे एंड आई नो कि लॉकडाउन के वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है बट जब आ ही रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पे तो माइट एज वेल रोड्स भी सही कर दिया जाए बिकॉज यहाँ पे पानी भरा है तो भरा है. ये सुबह से ही भरा है, अभी तक कुछ ड्रेन आउट नहीं हुआ है. सो आई गेस ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. ओके तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे हमारा डिनर लेने के लिए. काश ये रात को भी चालू होता यार.
सो हमने इन्हें सुबह बताया था कि हम कहाँ रुक रहे हैं और हम आने में थोड़ा लेट हो गए थे, सो ये खुद हमारा खाना लेके जा रहे थे विच वी डिडंट नो। तो आओ हम लोग आपको दिखाते हैं कैसे हम ले रहे थे। हम दोनों ने सामने, वो गाड़ी में थे, हम गाड़ी में थे, दो बार हेडलाइट मारे एंड दिस इज हाउ दे गिव फूड। ओके गाइस, तो वी आर एंडिंग द पार्ट वन हियर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट टू, और उसमें हम अगला दिन हमारा दिखाएंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।